losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. OnePlus H2 Pro जो आज ही लॉन्च हुआ फ्लैक्सी फोन है, न्यू फास्ट रिफ्रेश रेट 1.5K OLED डिस्प्ले, फ्लैक्सी प्रोसेसर, सोनी 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, 24 गीग्स ऑफ स्टोरेज वेरिएंट, ह्यूज बैटरी, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं OnePlus H2 Pro का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूं जो आज ही लॉन्च हुआ है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक इंस्टीट्यूट। जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल में देखने मिलते हैं, तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए अगला व्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल करिए, हमारे टेक टीम को ज्वाइन करिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से ही शुरू कर लेते हैं और ये है OnePlus H2 Pro का हाईएस्ट वेरिएंट, यानी 24 गीग्स ऑफ रैम एंड 1 TB स्टोरेज वेरिएंट है। बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले कार्डबोर्ड बॉक्स मिल जाता है, फोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। ये है 150 वोल्ट का पावर एडाप्टर जो पीडी चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और टाइप सी आउटपुट के साथ आता है। इस कार्डबोर्ड बॉक्स में कुछ डॉक्यूमेंटेशंस और क्लियर केस मिल जाता है और यहाँ पे OnePlus के स्टिकर्स भी मिल जाएंगे और सिम टूल और वेलकम लेटर। बस बॉक्स में यही सब कुछ मिलता है। फोन के प्लास्टिक रैप को रिमूव कर लेते हैं और बात करते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड की। वैसे फोन का फर्स्ट लुक देखे तो OnePlus के दूसरे फोन्स की तरह ही सिमिलर देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे फोन का ओवरऑल लुक तो चेंज नहीं किया है, माइनर चेंजेस देखने को मिल जाता है। जैसे कि कैमरा मॉड्यूल की रिंग में आपको सेम ही कलर मिलेगा जो आपको फोन के बैक में मिलता है। यहाँ पे लेंसेस थोड़े रेज मिलते हैं और मॉड्यूल में सीडी जैसी पैटर्न देखने को मिल जाती है। डिजाइन यहाँ पे मोर रिफाइंड मिलती है एंड द कलर ऑफ दिस डिवाइस इज ऑफिशियली नेम अरोरा ग्रीन। यहाँ पे कॉमन ग्लोसी ग्लास फिनिश मिल जाता है और ये वाला OnePlus का जो ग्रीन कलर है वो काफ़ी अच्छी वाइब देता है और कलर फ़ोन के बैक के साथ मैच करता है। जब भी आप इस फ़ोन को ब्राइट लाइट कंडीशन में देखते हैं तो स्पार्कलिंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगी। आई थिंक दिस ट्रीटमेंट इज़ क्वाइट नाइस। लेकिन इस डिज़ाइन के साथ मेटल की फ्रेम मिल जाती तो बात बहुत ही अच्छी होती, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम मिलेगी। अब फोन में डिस्प्ले की बात करें तो 6.74 इंच की OLED डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन डिस्प्ले में प्रीवियस जनरेशन के कंपेयर में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। इस बार स्क्रीन में BOE Q9+ मटेरियल का यूज़ हुआ है और इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग फीचर मिलता है। और दोस्तों आपको पता है सबसे हाईएस्ट PWM डिमिंग टेक्नोलॉजी किस मोबाइल फोन में यूज हुई है? Honor 90 सीरीज, जहाँ पे 3820 हर्ट्ज का PWM डिमिंग फीचर मिलता है। और दोस्तों मैंने ऑलरेडी Honor 90 और 90 Pro का दोनों का अनबॉक्सिंग और डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर से देख ले क्योंकि अगले ही महीने इंडिया में लॉन्च होने वाला है, ये कन्फर्म्ड है। अब वापस OnePlus H2 पे आ जाते हैं और इस बार डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, इतना ज़्यादा PWM डिमिंग फीचर है तो इस फोन को आप लो ब्राइटनेस में भी यूज़ करोगे तो भी आंखों को कम से कम डैमेज होगा। स्क्रीन के मटेरियल में चेंजेस करने से मैक्स ब्राइटनेस लेवल भी 1200 निट्स तक मिलती है और जो पीक ब्राइटनेस लेवल है वो 1600 निट्स तक मिल जाएगी, यानी ब्राइट यानी सनलाइट कंडीशन में व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलेगा और कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन यहाँ पे स्क्रीन में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। आई बिलीव दैट वंस यू हैव द डिवाइस यू विल ईजिली नोटिस द डिफरेंस। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे अपग्रेड मिल जाता है। प्रीवियस जनरेशन में स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 प्रोसेसर मिलता था और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर मिलता है, बट दैट्स जस्ट अ नॉर्मल चेंज। इस फोन का सबसे बड़ा आई कैचिंग इंप्रूवमेंट की बात करें तो फोन में 24 GB की रैम मिलती है और 1 TB तक स्टोरेज मिल जाता है। ऐसे ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रैम वाला फोन कह सकते हैं एज पर माई नॉलेज। मेरे कंप्यूटर में भी इतनी रैम नहीं है जितनी इस फोन में आती है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी रैम फोन में क्या नेसेसरी है, क्योंकि इन दिस डेज 12 GB रैम इनफ होती है, यानी 24 GB की बात करें तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो फोन को हर साल चेंज नहीं करना चाहते और 3-4 साल तक इस फोन का हैजल फ्री यूज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये स्पेसिफिकेशंस बढ़िया है। साथ में इस फोन में मेमोरी जेन रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ है, यानी ये फोन बैकग्राउंड टास्क भी आसानी से हैंडल कर सकता है। अगर आप हैवी गेमर है और आपके पास OnePlus H2 Pro फोन है तो आप बहुत सारी गेम्स बैकग्राउंड में रख सकते हैं, साथ में सोशल ऐप्स भी रख सकते हैं, वीडियो भी रख सकते हैं, रीडिंग न्यूज़, नोवेल, सब कुछ एक साथ आप इस फोन में चला सकते हैं, यानी वो भी एक साथ चला सकते हैं। तो 24 GB रैम सभी टास्क को एक साथ आसानी से चला पाएगी। अगर आप स्क्रीन को टर्न ऑफ भी कर देते हैं ना तो जब भी ऑन करोगे तब भी ये सभी ऐप आपको बैकग्राउंड में देखने को मिलेगी।
कोई भी ऐप ऑटो शटडाउन नहीं होगी। और 30 ऐप्स को बैकग्राउंड में रख के टेस्ट भी किया था, जहां पे सभी ऐप एक साथ आसानी से चलती है, कहीं भी लेग देखने को नहीं मिलती है। तो 24 गीग्स ऑफ रैम सबसे बड़ा फायदा है इस फोन का। साथ में फोन में 9140 स्क्वायर एमएम की लार्ज हीट डिसिपेशन सिस्टम भी मिल जाती है, जो रेगुलर फोन के कंपेयर में 5000 स्क्वायर एमएम ज्यादा है। तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। फोन में परफॉर्मेंस टेस्ट देखें तो सबसे पहले एंटूटू स्कोर देखते हैं। OnePlus S2 Pro में 1.65 मिलियन तक एंटूटू स्कोर मिल जाता है, और Geekbench 6 का जो स्कोर है वो सिंगल कोर का 2037 पॉइंट्स मिलता है और मल्टी कोर का 5545 पॉइंट्स तक मिल जाता है। अब गेम प्ले की बात करें तो हाई एंड गेम हाई सेटिंग पे आसानी से खेल पाएंगे। रूम टेम्परेचर यहाँ पे 26 डिग्री और ओनर ऑफ किंग के गेम टेस्ट में 120 FPS पे रखने पे 30 मिनट्स खेलने पे एवरेज फ्रेम रेट करीब 118.9 FPS तक मिल जाती है, और जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री तक जाता है और पावर कंजम्पशन 10% तक होता है। वही पबजी मोबाइल जो इंडिया में BGMI है, 30 मिनट्स हाई सेटिंग पे 90 FPS पे खेलने पे एवरेज फ्रेम रेट 89 FPS तक मिल जाती है और टेम्परेचर भी 39 डिग्री तक ही जाता है। और आखिरी में हाई ग्राफिक गेम Genshin Impact 30 मिनट्स हाईएस्ट सेटिंग यानी 60 FPS पे खेलने पे एवरेज फ्रेम रेट 59.1 FPS तक मिल जाती है और टेम्परेचर भी 44.5 डिग्री तक जाता है और पावर कंजम्पशन 13% तक होता है। ओवरऑल गेम परफॉर्मेंस इंप्रेसिव मिल जाता है। फोन में बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और 150 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, यानी चार्जिंग में इंप्रूवमेंट मिलेगा। बैटरी को 2200% चार्ज होने में करीब 40 मिनट से लगते हैं, जो अच्छी बात है। अनदर इंप्रूवमेंट की बात करें तो इस बार अल्ट्रा थिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, जो काफ़ी एक्यूरेट है। तो यहाँ पे जो भी मैंने आज बताया वो सभी फीचर्स इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, जो OnePlus H2 में नहीं मिलते थे। अब प्राइस की बात करें तो चाइना में जो बेस वेरिएंट की प्राइस है वो 2999 चीनी युआन से स्टार्ट होती है, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो करीब 34,600 तक होती है। और हाईएस्ट वेरिएंट की प्राइस यानी 24GB रैम और 1TB स्टोरेज की जो प्राइस है वो 46,100 तक होती है। कंक्लूजन पे आए तो फोन में डिस्प्ले परफॉर्मेंस सुपर्ब मिल जाता है। अगर लॉन्ग रन तक फोन को यूज करना है तो आप OnePlus H2 Pro को कंसीडर कर सकते हैं। अब देखना यह है कि इंडिया में कब लॉन्च होता है और कौन सी प्राइस में लॉन्च होता है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं OnePlus H2 Pro के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों मैं इसका डिटेल यू जल्दी अपलोड करने वाला हूं, सो स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल। और दोस्तों लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट और टेक न्यूज सबसे पहले देखने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूले, और लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के 1 मिनट में अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूले, क्योंकि सबसे पहले अनबॉक्सिंग वहीं पे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग। Plus nights and headaches stack, restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need.